पुणे जिले के 22 प्रखंड अंतर्गत गांगर पंचायत के कुरमान चौक में जिला परिषद की योजना से बनने वाली पीसीसी सड़क ढलाई का कार्य किया जा रहा था, जहां ग्रामीणों ने जिला परिषद प्रतिनिधि तारिक अनवर को घेर कर काम रोक दिया और कहा कि काम में अनियमितता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, काम सही तरीके से और गुणवत्तापूर्ण किया जाए, नहीं तो सभी ग्रामीण काम करने नहीं देंगे। वहीं मौजूद गांगर पंचायत के सरपंच अब्दुल बारिक का कहना है कि कलभट के निकट से सड़क लगभग 100 फीट तक टूटा फूटा है। टूटा सड़क को छोड़कर जिला पार्षद प्रतिनिधि सड़क पर भराई का काम शुरू कर दिए हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जहां बहुत ज़रूरी है पहले वहां काम को किया जाए, अन्यथा काम नहीं करने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि पीसीसी ढलाई की सिर्फ 2 इंच किया जा रहा है और बेड मिसाल भी कम मात्रा में डाला जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि लूट कर और लूट मचा कर काम करने नहीं देंगे, सही तरीके से काम को अंजाम दिया जाए। वहीं जिला परिषद प्रतिनिधि तारिक अनवर उर्फ परवेज नाज ने इन सभी बातों को खारिज करते हुए कहा कि गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं होगी, बल्कि सड़क की जितनी लंबाई बननी चाहिए थी एक बार में नहीं बन पा रही है, इसलिए इसे एक तरफ से बनाया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि बहुत जल्द उस काम को भी पूरा किया जाएगा। इस पर भी अगर ग्रामीण संतुष्ट नहीं है, काम को रोक दिया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब प्रतिनिधि किसी काम को नहीं कर रहे तो जनता परेशान, और जब किसी काम को करे तो स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा काम पर रोक लगा दिया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है यह तो जांच का विषय है। फिलहाल काम पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पे आप लोग ने रोड को रोक दिया। परेशानी यह है कि ये रोड क्षेत्र संख्या 33 के जिला परिषद बना रहे हैं। हम लोगों को परेशानी यह है कि जहाँ से बनना था वहाँ से नहीं बन पा रहा है, बीच में बना रहा है, दोनों तरफ छोड़ दिया है। रोड का लंबाई 500 फीट है, वो बना रहा है 400 फीट। ग्रामीणों का कहना है कि वो स्टार्टिंग से बनाए, जहाँ से टूटा हुआ है टूटा हुआ नहीं बना करके वो जहाँ सही है उस जगह बना रहा है। और इस रोड में कम से कम हजारों टोटो चलता है, रिक्शा चलता है, साइकिल चलता है, टोटो बार बार पलटी खा करके लोगों को परेशानी होता है, जख्म भी होता है। हम लोग चाह रहे हैं कि इस रोड को यहाँ से बनाए। काम कैसा हो रहा है आगे जो? काम तो खैर जैसा काम तो आप पब्लिक भी देखा, हम लोग भी देखे, छोटी गिट्टी से बन रहा है, चिप से हैं, उसमें सीमेंट और बालू का, सीमेंट का मात्रा कम है, बालू का मात्रा ज़्यादा है, बेड मसाली डाला है, सादा बालू से, सादा बालू है, सादा वाला बेड मसाली जोड़ा। हम लोग पानी डालने का भी प्रयास किए लेकिन पानी भी नहीं डाला। वो ये बात चेयरमैन साहब से क्या मांग करते हैं? मांग हम लोग ये कर रहे हैं, हमारे सारा गांगर पंचायत के जनता मांग चेयरमैन साहब से ये कर रहा है कि जहां से टूटा हुआ है रोड उस जगह से बने। और विभाग को दिए हैं? विभाग तो आज ही तो स्टार्ट हुआ, वो अभी ऐसे अभी 11 बजे स्टार्ट हुआ, हम लोग 11 बजे से यहाँ लगे हुए हैं। गांगर पंचायत क्या दिक्कत हो रही है? रोड का कार्य चल रहा है लेकिन क्या परेशानी है आप लोगों को, ग्रामीणों को? दिक्कत है ये पतला गिट्टी से बन रहा है, उसके बाद मेटेरियल बराबर नहीं दे रहे हैं, उसके बाद जो है जहाँ से बनना चाहिए था वहाँ से नहीं बन रहे, छोड़ के बन रहे, और हम लोग का जो टोटो गाड़ी है 2 चक्का है इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये जो है काम, हाँ काम नहीं हो रहा है। कौन बनवा रहा है? ये जो जिला परिषद बनवा रहा है, परवेज अख्तर बोलता है, सीमेंट भी कम है, कितना इंची डाल रहा है? 2 बाहर में 8 इंची डाल रहा है और बीच में 2 इंची डाल रहा है, 2 इंची में थमेगा। कौन सा जगह है ये? गांगर है। कौन काम कर रहा है? कौन करवा रहा है? ये परवेज अख्तर करवा रहा है, जिला परिषद। यही हम लोग का भी कहना है, जो सरपंच साहब बोला वही कहना हम लोग का भी है, जो वही जहाँ से बनाने के लिए सरपंच साहब बोलता है वही हम लोग का भी वही कहना है। अभी काम को क्या रुका हुआ है? हाँ काम रुका हुआ है। क्या बोल रहे हैं? काम यहाँ से करेगा तो करने देंगे, नहीं करेगा तो नहीं करने देंगे। किस तरह से काम हो रहा है? किस काम तो गलत हो रहा है, देखते हैं तो गलत हो रहा है, मगर यहाँ से काम होना चाहिए तब हम लोग करने देंगे। दिखाई दे रहा है कि काफी जो है तकरीबन 200 फीट हो गया है, क्या काम जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, क्या वो काम खराब हो रहा है? कौन सी जगह है ये? गांगर पंचायत। ये कौन सा वार्ड है? 7 नंबर। आपके द्वारा गांगर पंचायत में एक रोड का कार्य कर रहा चल रहा था, जहाँ पे ग्रामीणों का आरोप है कि इसका जो कार्य जो हो रहा है वो गुणवत्तापूर्वक नहीं हो रहा और जिस जगह से होनी चाहिए वहाँ से नहीं हो रहा, आपका इसमें क्या विचार है? नहीं देखिए, ग्रामीण का जो बोलना है ये जायज़ है
और क्योंकि ये रोड इनके 500 फीट है और हमारे एस्टीमेट में इनके सब कोई जानते हैं, सारे प्रशासनिक लोग जानते हैं, जो जिला परिषद में 7.5 लाख से मतलब इनके अंडर में जो होता है वो कार्य होता है, उससे अवैध होने पर इनके टेंडर कर दिया जाता है। तो ये फिर टेंडर में जाने के बाद मामला फिर प्रोसेस में चलाया जाता और फिर इनके लगभग ढेर दिन लंबत चलाया था और ये रोड नहीं बन पाता। इसी को दो पार्ट में हम लोग उसको लिए हैं, एक 400 फीट को इनके हम लोग लिए हैं और एक हम लोग इनके 100 फीट को लिए हैं, जिसको हम लोग इनके जो 400 फीट है उसका ढलाई हम लोग अभी करा रहे हैं। और ग्रामीणों को ये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, जो इस एक महीने के अंदर तो नहीं, ईद के बाद इनके इसकी काम फिर चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी सब कोई जानते ही हैं, जो इनके अभी आपका आचार संहिता लागू है, कहीं इलेक्शन है उसकी वजह से, और सारे विभाग इनके उसमें कार्य को मतलब कागजी मामला जो वो नहीं हो पाया है। मैं ग्रामीण को यह आश्वासन दे रहा हूँ, जो 100 फीट छूटा हुआ है वो आपको इनके 15 से 20 दिन के अंदर में आपको जरूर पूरा करूँगा। मैं पब्लिक का कहना है कि जब तक उधर से काम शुरू नहीं होगा तब तक काम करने के लिए, हाँ ये बात सही है, क्योंकि रोड का मसला है, बीच में इनके गड्ढे रहने की वजह से यहाँ मतलब इनके आदमी को आने जाने में दुश्वारियाँ होगी, ये बात को हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी मतलब ग्रामीण क्षेत्र ही से आते हैं, कोई शहरी क्षेत्र से आते नहीं है। और मगर है क्या, जो विभाग की कुछ लापरवाही की वजह से हम इनके ये 100 फीट छूट रहा है, मगर हम 100 फीट को 15 से 20 रोज के अंदर में उसको जरूर पूरा करेंगे। कंक्रीट को लेकर के क्या मसला है, ग्रामीण बता रहे हैं कि छोटा कंक्रीट यूज हो रहा है। हाँ, कंक्रीट का एक मसला ये है, जो देखिए जो डिपो से जो कंक्रीट जो आता है तो वहाँ पर इनके 1/4 इंची, 1/2 इंची और 1/4 इंची और 1 इंची सब मिक्स होकर आता है, ठीक है। तो पैसे तो इनके 1 इंची का ही ले लेते हैं जो खदान के मालिक हैं, हम लोग मतलब इनके पूरा इनके 1 इंची का मेटल लाए हैं। एक मिनट आप लोगों को मीडिया के सामने में एक मिनट दिखाना चाहता हूँ मेटल आपको, ये मेटल है इनके, आपको इसमें इनके आपको कहीं पर भी ये इनके 1/2 इंची या 1/4 इंची नज़र नहीं आ रहा, आप लोग देख सकते हैं। और नहीं होता तो मैं पूरे ग्रामीण के साथ में ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए आप लोग भी। और इसमें जो है 1/2 इंची थोड़ा सा जो जीरा टाइप का होता है उसको देने से थोड़ा पकड़ थोड़ा सा इनके मिस्त्री का कहना है, जो थोड़ा पकड़ होता है इसकी वजह से दिया गया है। लेकिन ग्रामीण जो आप जो काम पे जो आरोप लगाया है, रोक लगाई है, अब उनको क्या आश्वासन? नहीं, ग्रामीण गुणवत्ता को लेकर मतलब इनके आपका आश्वासन नहीं लगाया है। ग्रामीण का कहना है जो कम से कम ये रोड 500 फीट बननी चाहिए, मगर मैं ग्रामीण को ये आश्वासन देता हूँ जो मैं बहुत जल्द इनके जो 100 फीट मेरा छूट रहा है मैं उसको पूरा करूँ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।